once again. सो गाइस, हम एक बार फिर से आ गए हैं और नए इंडिकेटर लेकर आप सभी के लिए। यहाँ पे है ये जो है काफ़ी बढ़िया इंडिकेटर कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। अब यहाँ पे इस इंडिकेटर को लाने के लिए आपको सिंपली चले जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, आपको सर्च करना है ये तीनों इंडिकेटर। ये तीनों का मैंने अलग अलग इंडिपेंडेंट वीडियो पहले ही बना चुका है। यहाँ पास है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स एल्गो, दूसरा है सेकेंड है डाइवर्जेंस ऑफ मैनी इंडिकेटर वर्जन 4, वर्जन 3 भी है, वर्जन 4 आप यूज़ करोगे ज़्यादा बेटर है। और ये जो है RSI प्लस MACD का एक मर्ज इंडिकेटर है, दोनों एक ही में है आप देख सकते हैं। और यहाँ पास ये इंडियन लिखा हुआ है, तो यहाँ पास मैंने इसका भी वीडियो बना दिया, वहाँ पास जाकर चेक कर सकते हैं इसे कैसे इंडिकेटर सेक्शन में लाना है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता। ओके, अब देखिए इस इंडिकेटर का काम क्या है। देखो अभी मार्केट लाइव चल रहा है। ओके, यहाँ पे मार्केट लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं ये अभी जो है निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट खुला हुआ है अपना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब जब मार्केट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होता है तो ये इंडिकेटर जो है आपको तीन तरह से कंफर्मेशन देता है। इस इंडिकेटर जो हमारा स्ट्रेटेजी उसमें सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है ओवरबॉट होता है और यहाँ पे RSI भी हमको हिडन डाइवर्जेंस पहले ही दे चुका था लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं आया था। ओके, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये जो है 50 EMA के ऊपर था, यहाँ पे 50 EMA के ऊपर हमें जहाँ इंडिकेट शो कर रहा था हमें समय जो है सेलिंग में तो नहीं आना था, लेकिन हाँ प्रो लेवल के आप जो एक ट्रेडर हो तो आप सेलिंग में भी आ सकते थे कंफर्मेशन के बाद में। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मार्केट जो RSI हमें हिडन डाइवर्जेंस शो करता है RSI प्लस CCI में, तो यहाँ पास दो इंडिकेटर दिखा रहा है कि वहाँ पास डाउन ट्रेंड शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड शो होने के लिए यहाँ पास क्रॉस देना मतलब मार्केट को ब्रेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे के साइड में MACD हमें कंफर्मेशन दे रहा है और इसका जो ग्राफ भी है वो भी हमें डाउन ट्रेंड में शो हो रहा है। तो आप थोड़ा और आगे जाते हैं, जब तक हमें जो ग्रीन रेड कैंडल है, बिग ग्रीन रेड कैंडल हमें दिखाई नहीं देता था, तब तक हमें मार्केट में नीचे जो है सेलिंग नहीं करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पास काफ़ी अच्छा हमें जो है डाउन ट्रेंड में शो हो रहा है और उसके बाद यहाँ पास हमें देख सकते हैं जो MACD वो भी डाउन ट्रेंड में शो हो रहा है और यहाँ पे RSI भी ओवरबॉट हो चुका था। तो यहाँ पे मार्केट जो हमें सेलिंग करना था और यहाँ पास काफ़ी अच्छा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक हमें जो है सेल करना था, तो काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट मिल जाता। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे हमें जो है मार्केट सेल करने के लिए एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर अगर नेक्स्ट कैंडल में अगर हम शो करते, मैं एक मिनट इसे, हाँ अगर हम नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर हम शो करते तो हमें इस कैंडल में अराउंड एंट्री लेना था और यहाँ तक का हमारा प्रॉफिट होता नेक्स्ट यहाँ तक का और ये हमारा स्टॉप लॉस होता, तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। यहाँ पर ठीक ठाक है, उतना अच्छा खास भी नहीं है, लेकिन हमें जो है काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता था यहाँ तक। तो हमें जो है इस तरह से ये जो इंडिकेटर वर्क करते हैं, हम बैक टेस्टिंग में भी आ जाते हैं थोड़ा और आपको समझाने के लिए। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड होकर और यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी टाइप बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है एकदम टॉप में पहुँच कर, ये है जो हमें जो है ऐसा कुछ इंडिकेटर सेक्शन में हमें शो करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 50 EMA को ये जो कैंडल है तोड़ा हुआ है, RSI भी हमें जो है ओवरबॉट हो चुका था यहाँ पे, और उसके बाद में इंडिकेटर सेक्शन में नीचे देख सकते हैं MACD में हमें भी रेड डॉट यहाँ पर रेड ग्राफ जो है दिखने को मिल रहा है। सॉरी, तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे और इस तरह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो इस तरह से आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत पीछे और आ जाते हैं हम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो है हमें जो है फिर से हमें जो है काफ़ी बढ़िया हमें जो है डाउन ट्रेंड में शो हो रहा था। यहाँ पर हिडन बेयरिश सिग्नल हमें देखने को मिला है लेकिन हमें MACD का कंफर्मेशन लेना था, तो MACD का कंफर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है इस लाइन में, रेड लाइन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है सेल कर सकते थे और आपको काफ़ी अच्छा सेलिंग जो है प्रॉफिट मिलता। तो एक बार इस इंडिकेटर को यूज़ करके ज़रूर देखो, ये काफ़ी बढ़िया वर्क करता है। आप देख सकते हैं बस मैंने यहाँ पर पहले भी ले चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पास मैंने मार्केट में सेलिंग के लिए किया था और यहाँ पास हिडन बेयरिश सिग्नल हमें देखने को मिला था, MACD में हमें यहाँ पास कंफर्मेशन मिला इस कैंडल इस लाइन के पास में। तो ओके, तो यहाँ पे आप सेलिंग करते हैं और यहाँ पास आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो इस तरह से ये जो इंडिकेटर है वर्क करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पास ये फॉरेक्स में वर्क नहीं करता है ये वाला जो बस इंडिकेटर जो है, आप RSI यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पास ये जो MACD बंद हो जाता है इस इंडिकेटर में। पता नहीं कुछ ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, अब पता नहीं मुझे ये क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप जो क्रिप्टो में चले जाते हो, क्रिप्टो में जाने के बाद में यहाँ पे ये जो है वर्क करता है क्रिप्टो में,
बस फॉरेक्स में ये जो है वर्क नहीं करता है, मतलब जितने भी करेंसीज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो है, मैं थोड़ा इसके लिए बड़े टाइम फ्रेम आना जरूरी है, तो बड़े टाइम फ्रेम में आप सभी देख सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। मार्केट जो है, जब जब मार्केट में मूवमेंट आता है तब तब ये जो है इंडिकेटर जो है काफ़ी अच्छा आपको जो है इंडिकेट कर देता है आपको। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मार्केट जो है हिडन बेयरिश सिग्नल दे रहा था पहले, और यहाँ पे जब मार्केट जो है 50 एमए के नीचे आया तो आप सभी देख सकते हैं मार्केट काफ़ी अच्छा आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है काफ़ी बढ़िया वर्क करता है। एक बार इस इंडिकेटर को यूज़ करके, मतलब इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके देखिए और बैक प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। बैक प्रैक्टिस करने के बाद में आपको जो है कन्फर्मेशन मिलेगा, और इसके साथ में आपको जो है आपको ट्रेडिंग जो करोगे आप उसमें लिए काफ़ी अच्छा आपको जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस स्ट्रेटेजी के ज़रिए। तो एक बार इस इंडिकेटर और तीनों मर्ज इंडिकेटर को यूज़ करके ज़रूर देखते। फिर अगले बस नहीं, थैंक यू।